हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। भूगोल के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी और इसमें हमने कल अभी तक दो वीडियो बनाए हैं कुल मिला के, ठीक है। उसमें हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, उसके आगे आज हम देखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से पूछा गया था जिसका जवाब आप में से किसी ने दिया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं, ठीक है, इसलिए वीडियो देखें कि जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, लेकिन प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। एक बार देखिए, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और पहला प्रश्न सीरीज का 61 है, और आज का पहला प्रश्न भी, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है सही सुमेलित ना हो। प्रदेश एक तरफ है, एक तरफ दिया विशेषता। इसमें पहला स्टेटमेंट, पहला है, पहला जो मिलान है वो है वर्जीनिया प्रदेश है और विशेषता है तांबा उत्पादन। तो वर्जीनिया तांबा उत्पादन के लिए नहीं है, तंबाकू उत्पादन के लिए है, तो पहला गलत है। दूसरा है मोंटाना, जो मोंटाना है वो तांबा उत्पादन के लिए है, ठीक है, तो पहला दूसरा तो गलत है। सुपीरिया झील में साबिरंज, ये बात सही है। तो पहला और दूसरा अगर गलत है तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। वर्जीनिया वही हमने बताया था, उत्तम कोट तंबाकू उत्पादन है, और मोंटाना जो है सबसे बड़ी तांबे की खान बुट है, ठीक। सुपीरिया झील की निकटवर्ती मेसाबिरंज है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो मेसाबिरंज लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें सुमेलित करना हमें। न्यूयॉर्क, डेट्रायट, एक्रॉन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, ठीक है। तो इसमें डेट्रायट क्या है, मोटर निर्माण के लिए ना, मोटर कार निर्माण के लिए है। फिलहाल हम इसमें समय नहीं गंवाएंगे अपना ज़्यादा, इससे हम इसका उत्तर ही देख लेंगे। तो 4-3-2-1 इसका उत्तर है, क्या है, हमने बताया डेट्रायट मोटर कार निर्माण के लिए है भाई। एक्रॉन सिंथेटिक रबड़ और टायर निर्माण के लिए, सिंथेटिक रबड़ और टायर निर्माण के लिए एक्रॉन। लॉस एंजल्स फिल्म निर्माण का है, और न्यूयॉर्क है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो 4-3-2-1 इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए तो वही है, एक्सप्लेनेशन भी इसका वही है, व्याख्या भी इसकी वही है। आगे है न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, सही उत्तर बताना है इसमें स्टेटमेंट विचार करके। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, सही है ना। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, और न्यूयॉर्क की द्वीपीय स्थिति मुंबई के समान है, तो पहला तो सही है, ठीक है, ये तीनों सही हैं वैसे। हाँ चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है भैया, याद रखना हडसन नदी के किनारे है, कभी कभी आता मिलान के लिए। न्यूयॉर्क को इसकी ऊंचाई इमारतों के कारण स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं न्यूयॉर्क को, ठीक है। यहाँ पर स्थित है कैनेडी वायु पत्तन, जो कि संसार का सब व्यस्ततम समुद्र पत्तन है, वायु पत्तन है, कैनेडी वायु पत्तन है, जो कि संसार का व्यस्ततम वायु पत्तन है। स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं क्यों, ऊंची ऊंची इमारतों के कारण, किसको, न्यूयॉर्क को, जो कि हडसन नदी के किनारे है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होने के कारण सबसे बड़ा मांस उत्पादक केंद्र भी है शिकागो। न्यूयॉर्क की द्वीपीय स्थिति मुंबई के समान ही है, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है। वुड बफेलो नेशनल पार्क आपका कनाडा में है, वुड बफेलो कनाडा में स्थित है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें अल्बर्टा प्रांत में है, याद रखना, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में है, और नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। कनाडा के बारे में देखें, और सही नहीं ये बताना हमें, कनाडा को ऑन्टारियो सोना उत्पादन डाउसन
सिटी चांदी के लिए जाना जाता है, हमारे हिसाब से ये उल्टा कर देना पड़ेगा। सडबरी खान सोना उत्पादन के लिए है, मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए है, तो इसका देख लेते सही उत्तर है बी। ठीक है, बी इसका सही सही नहीं पूछा गया ना बी। हाँ ठीक है, तो बी सही नहीं है, दूसरा मतलब सही नहीं। देखते हैं क्या है इसमें कि ओंटारियो तथा डाउसन सिटी यूकॉन सोना और चांदी के उत्पादन के लिए है। ठीक है, ओंटारियो में सोना, डाउसन में चांदी। ओंटारियो की सडबरी जो खान है, ओंटारियो की जो सडबरी खान, वो निकेल और कोबाल्ट का उत्पादन करती है। ओंटारियो की सडबरी जो खान है वो निकेल और कोबाल्ट का उत्पादन करती है। मॉन्ट्रियल जो कागज उद्योग का केंद्र है, ये भी याद रखना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कनाडा, कनाडा की सुलिवान खान है, कनाडा की सुलिवान खान है, ये किसके निक्षेप के लिए जानी जाती है? तो ये सीसा और जस्ता के लिए। कनाडा की सुलिवान खान है जो कि सीसा और जस्ता के खनन के लिए जानी जाती है। ठीक है, यहाँ इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं, सीसा और जस्ता यहाँ से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, ये बताना है सही युग्म, सही युग्म ही बताना है। हाँ, तो ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है और एक कनाडियन राष्ट्रीय रेलवे, तो ट्रांस कनाडियन है, हेलिफैक्स को ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट से जोड़ता है। बस सही है, पहला तो सही है, गलत है, दोनों गलत है। चलिए, तो ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग दोनों देख लेते हैं, कनाडियन राष्ट्रीय रेलवे, इन दोनों का क्या है, दोनों सुमेलित नहीं है भैया, तो सही क्या है? ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग न्यू ब्रंसविक के सेंट जॉन्स को प्रशांत महासागर में स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। याद रखना, न्यू ब्रंसविक में है सेंट जॉन्स और प्रशांत महासागर में है वैंकूवर, इन दोनों को जोड़ने काम ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग करता है पैसिफिक रेल। कनाडियन राष्ट्रीय रेलवे हेलिफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट को जोड़ता है। हेलिफैक्स कहाँ, नोवा स्कोशिया में है, और ब्रिटिश कोलंबिया का प्रिंस रूपर्ट है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता कनाडियन राष्ट्रीय रेलवे रेलवे। ठीक है, अब क्या है इसमें उल्लेखनीय है, ट्रांस कनाडा हाईवे अटलांटिक से प्रशांत महासागर जोड़ने वाली 9600 किलोमीटर लंबी है, 9600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अटलांटिक से प्रशांत को जोड़ने के लिए। यह ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस के औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरती भी है। ओके, आगे भी है, आगे भी देखते हैं चलो। क्या इसमें सही बताना है इसमें भी कि विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है, मोटर कार निर्माण क्षेत्र है, तो विंडसर जो है वो कनाडा में है, ये इसको डेट्रॉयट कहा जाता है, सही है। हैमिल्टन कनाडा का बर्मिंघम नाम से, हैमिल्टन को बर्मिंघम कहते हैं, विंडसर को डेट्रॉयट कहते हैं, तो दोनों सही हैं। ठीक है, यही क्या है, हम सोचने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन जो वीडियो होगा वो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग देख के ऊब जाते हैं फिर। ठीक है, तो इसका वो देख लेते हैं व्याख्या क्या है। विंडसर को कनाडा डेट्रॉयट क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योगों की स्थापना हुई विंडसर में। हैमिल्टन जो है ओंटारियो में है कनाडा के, और यह धनी आबादी और विकसित उद्योग के कारण कनाडा का बर्मिंघम है, बर्मिंघम। ठीक है, ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग न्यू ब्रंसविक स्टेशन जॉस प्रशांत पैकुंबर से जोड़ता है कनाडियन हेलिफैक्स। ठीक है, ये तो है। चलिए, कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक, 68 हो गए हैं, ये लगता है एक्सप्लेनेशन फिर से यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया था। चलिए देख लेते हैं आगे, देखिए इसका क्या है। यह दक्षिण अमेरिका की दक्षिणी सीमा है, दक्षिण अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर स्थित है पहली चीज तो वही है, दक्षिण अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर। यह मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा अलग होता है, मैगलन जलसंधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग भी होता है। ये किसके संदर्भ में है, तो हमने अभी देखा था, नाम है टेरा डेल फ्यूगो, ए इसका सही उत्तर था ना, टेरा डेल फ्यूगो। क्या है, टेरा डेल फ्यूगो जो है दक्षिण अमेरिका दक्षिण सीमा पर स्थित है, मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, ब्राजील दक्षिण अमेरिका के अधिकतर देशों से सीमा बनाता है, ब्राजील। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जिनसे ब्राजील की सीमा संबद्ध नहीं है, तो ब्राजील से जिसकी सीमा नहीं लगती होगी वो कौन सा देश होगा भाई, चिली और इक्वाडोर,
सही है ना। चिलियो रिकॉर्ड और परागवे बोलिए वाला तो नहीं, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कुल मिला के मेरे ख्याल से आ भी गया था पहले ही उत्तर। दक्षिण अमेरिका में कुल 15 देश हैं। ब्राजील की सीमा 10 देशों से लगती भी है, 10 देश से लगती है, याद रखना। इक्वाडोर और चिली दो ऐसे देश हैं जिससे ब्राजील सीमा नहीं लगती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से बता रहा भाई। अब 10 देश के साथ लग रही है कि ग्रह वही हो गया, 4 देश बच रहे हैं, 2 नहीं है, 2 और होंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है? ओलिव रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है, इसमें से कौन सा द्वीप है? तो नाम है गालपागोस, याद रखना। ठीक है, गालपागोस कहाँ है? गालपागोस कहाँ है? इक्वाडोर में है। गालपागोस आपका इक्वाडोर में है। यह ओलिव रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताना है विचार करके सही उत्तर कौन सा है। तो भैया बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं भाई? ये चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए होते हैं। यहाँ पे कोई देश हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बोलीविया दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। फोकलैंड द्वीप पर अमेरिका का अधिकार है और टिटिकाका झील पेरू और चिली की सीमा पर है। तो देखो अभी उत्तर भी देखा था हमने, ए उसमें सही उत्तर है, तो इसमें समय ना बर्बाद करें, ए सही उत्तर इसका। ठीक है, नहीं गेस लगाएंगे फालतू में बैठ के। बोलीविया दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा स्थल उद्देश्य, बात सही है। फॉकलैंड जो है यूके के अधिकार क्षेत्र में आता है। फॉकलैंड जलधारा भी है। ठीक है, तो याद रखना फॉकलैंड द्वीप यूनाइटेड किंगडम का अधिकार क्षेत्र में है। यह प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। ओके, प्रशांत और अटलांटिक के मध्य में स्थित है फॉकलैंड। टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य झील है। टिटिकाका विश्व में की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य झील है। यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, याद रखना पेरू और बोलीविया की सीमा पर है टिटिकाका, पेरू और चिली की सीमा पर नहीं है। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात है एंजल, आपको भी पता है कि कौन सा सही है इसमें? यह कैरो नदी पर है, बात सही है। कैरो नदी और इनिको की सहायक है, याद रखना। और इनिको की सहायक नदी कैरो पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है। वेनेजुएला के बोलीवर प्रांत में है, यह भी बात सही है, जिसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल और इनको की सहायक नदी कैरो पर है। ऊंचाई है 779 मीटर। कानाइमा, याद रखना थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर स्थल है में आयन टेपुई पर्वत से गिरता है। आयन टेपुई पर्वत से गिरता है भाई कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में, विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, वेनेजुएला के बोलीवर प्रांत में है, ये भी बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बताना भैया पहली चीज तो। ठीक है, तो ध्यान देखते हैं। देखिए अमेजन द्रोणी घास भूमिया है, लानोस अमेजन पाई जाती है क्या? और इनिको नदी द्रोणी में सेल्वास मिलता है, सही है क्या? उरुग्वे अर्जेंटीना पंपास तो है, पंपास दो जो है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। पहला तीसरा तो सही है, तो पहला दूसरा तो गलत है ना, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। अमेजन नदी द्रोणी में सेल्वास मिलता है और इनिको में मिलता लानोज, और इनिको क्षेत्र में लानोज सेल्वास मिलता है अमेजन में। ठीक है, उरुग्वे अर्जेंटीना पर के पूर्वी क्षेत्र में, उरुग्वे अर्जेंटीना के पूर्वी क्षेत्र में है पंपास घास भूमि। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। एंडीज पर्वतमाला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो एंडीज ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, याद रखना। यरबो वनस्पति ब्राजील पठार पर पाई जाती है, पेय पदार्थ है, सही है। अमेजन का मुहाना विश्व रेखा पर स्थित, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत था।
एंडीज जो है एक मोड़दार वाली पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है ना, वो घिरे होते हैं चारों तरफ से, ठीक है, ब्लॉक पर्वत, लेकिन वलित पर्वत है, ठीक है। एंडीज पर्वत जो है मोड़दार या वलित पर्वत का उदाहरण है। ब्राजील पठार पर पाए जाने वाले प्रदेश है कैंपास घासभूम प्रदेश, यहाँ यर्बो वनस्पति मिलती है। कहाँ पे? ब्राजील के पठार में जहाँ पर कैंपास घास का मैदान मिलता है, यहीं पर यर्बो वनस्पति पाई जाती है जिससे पेय पदार्थ का निर्माण होता है। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, याद रखना भैया, अमेजन नदी एंडीज से निकलती है, पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होती हुई यह विषुवत रेखा पर अपने मुहाने का निर्माण करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। संसार का शुष्कतम स्थल है, नाम है अरिका। संसार का शुष्कतम स्थलों में से एक है अरिका, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के चिली में है अरिका, जो है वो एक शुष्कतम स्थलों में से एक है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, सही बताना है कौन सा सही है। तो भैया मनाउस बंदरगाह ब्राजील में दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। मनाउस बंदरगाह ब्राजील में स्थित है, यह एक दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है, बात सही है। अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी बात सही है। तो पहली कौन सी भाई? नील नदी है, ठीक है। अमेजन नदी क्षेत्र को प्लाटा कहा जाता है, प्लाटा कहते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा। अब देख लेते हैं, मनाउस बंदरगाह ब्राजील की नीग्रो नदी पर स्थित है। मनाउस बंदरगाह ब्राजील की नीग्रो नदी पर है और यह दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नील है। इसका जलग्रहण क्षेत्र विश्व की नदियों की तुलना में सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर ब्राजील, दक्षिणी ब्राजील से निकलने वाली तीन नदियां उरुग्वे पराग्वे पराना के नदी तंत्र को प्लाटा कहते हैं, दक्षिणी ब्राजील से, ठीक है, निकलती है। ये रियो डी प्लाटा में गिरती है, याद रखना भाई। उरुग्वे पराग्वे पराना नदी के पराना के नदी तंत्र को प्लाटा बोलते हैं और यह रियो डी प्लाटा में जाकर गिर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के किस देश की राजधानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका का देश है कोई, उसकी राजधानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा जो है विश्व में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? राजधानी क्षेत्र है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो विश्व की सबसे ऊंचाई पर, बी, अच्छा बी है इसका, इक्वाडोर है भैया, सॉरी, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या है इसमें, देखिए, पहला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी शांत ज्वालामुखी जो पेरू में है, तो गलत है, तो ना शांत नहीं। ब्राजील के कहवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, तो सबको पता होगा फेजेंडा ब्राजील के कहवा क्षेत्र को बोलते हैं। अल्फाल्फा एक घास है जो पंपास के क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पहला गलत है भैया, पहला गलत है। हाँ, क्या है? कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यह इक्वाडोर में है भाई। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ब्राजील में कहवा की खेती बड़े पैमाने पर होती है, कहवा बड़े बड़े बागानों को फजेंडा बोलते हैं। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास जो घास भूमियों पंपास में मिलता है और यह प्रदेश पशुपालन के प्रसिद्ध भी है, ठीक है। आगे है, अगला है सुमेलित करना है, इटाबिरा अमापा चुक्की कमाता मरकैबो झील। चलिए इसका सुमेल देख लेते हैं, सुमेल क्या है? सही डी इसका सही सुमेल, 1342। अब इसका सही सुमेल ही देख लेते हैं सीधा, क्या है सुमेल इसका देख लीजिए। इटाबिरा कहाँ है भाई? ब्राजील में है, पहली चीज तो, ठीक है, इटाबिरा ब्राजील में है, लौह अयस्क की खान है। इटाबिरा ब्राजील में है, लौह अयस्क की खान है। अमापा मैग्नीज की खान के लिए प्रसिद्ध है, अमापा। चुक्की कमाता चिली में है, तांबा उत्पादन है। और मरकैबो झील जो है वेनेजुएला में है, यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है।
30 क्वेश्चन आज करेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इसमें सही नहीं है बताना है, तो भैया पेरू तट पर स्थित गुआनो द्वीप उत्तम कोटि की खाद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बात सही है, मिनास गिराइस पेरू में खनिज भंडार का प्रमुख क्षेत्र गलत है, इतेपू बहुउद्देशीय परियोजना इतेपू अमेजन पे कैसे ऐसे अमेजन पे जाएगा भाई। सॉरी तो इसका देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। सी इसका सही उत्तर है, पहला गलत था। क्या था? पेरू तट पर स्थित गुआनो द्वीप उत्तम कोट की खाद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, बात सही था। मिनास गिराइस ब्राजील में है, याद रखना मिनास गिराइस ब्राजील में है। यह अधिकतर यहाँ पर खनिज भंडार मिलते हैं, यहाँ पर लोहा और अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। लोहा अभ्रक के भंडार के लिए जाना जाता है मिनास गिराइस, जो कि ब्राजील में स्थित है। इतेपू पराना नदी पर है, ठीक है, जिसमें विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी है। सेंटोस बंदरगाह कहाँ है? सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में है, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में, यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात होता है, कॉफ़ी निर्यात बंदरगाह भाई, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है सेंटोस को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सुमेलित करना। गुयाना, गुयाना जो है जॉर्ज टाउन, उरुग्वे मोंटी वीडियो, सुरीनाम पारा मरिबो, बोलिविया है लापास, राजधानी है ये, ठीक है, याद रखना बोलिविया की लापास राजधानी है, ठीक है। अब देखिए सुमेलित कैसा है, गुयाना है जॉर्ज टाउन, मोरुग्वे मोंटी वीडियो, पारा मरिबो सुरीनाम बोलिविया है लापास, ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिकी देश महादेश के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है, उत्तर से दक्षिण बताना, दक्षिण अमेरिका के बारे में भैया। अब इसमें देखिए लानोस है, ग्रांचाको है, पंपास है, सेलवास है। अब इसके बारे में क्या देख लेते हैं, उत्तर ही सीधा 1 4 3 2 कौन सा है, क्या पूछा गया था क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम हमें दक्षिण अमेरिका के बारे में देखना है। देख लीजिए लानोस सबसे पहले है, ग्रांचाको, पंपास और सेलवास घास भूमियाँ हैं। इनके उत्तर से दक्षिण का क्रम कैसे है, सबसे पहले आएगा लानोस, फिर आएगा सेलवास, लानोस सेलवास ग्रांचाको पंपास, पंपास अर्जेंटीना में मिलता है ना, तो याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है प्रशांत महासागर उसके आसपास फैले द्वीपों को ओशिनिया में शामिल किया जाता, बात सही है ना, प्रशांत महासागर और उसके आसपास फैले द्वीपों को क्या बोलते हैं, ओशिनिया। ओशिनिया सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश है नाउरू। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा है नाउरू, दोनों सही हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए प्रशांत महासागर इसके आसपास फैले द्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, इन सबको मिलाकर ओशिनिया बोलते हैं। तो एक चीज, एक प्रश्न होता है याद हुआ कि ओशिनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो चिली की या किसी और का नाम दे देंगे हो सकता है, तो याद रखना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड इसमें, माइक्रोनेशिया, मलेशिया और पॉलिनेशिया, इन सबको शामिल किया। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा है नाउरू, याद रखना इस बात को, ठीक है। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है, न्यूजीलैंड को। अब प्रश्न ये है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोला जाता है। तो अब देखते हैं, न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन है, इसकी खोज की थी जेम्स कुक ने 1769 में, जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड की खोज की थी, जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है भैया, ठीक है। चलिए सही उत्तर देखना है इसमें हमें, कालगुल्ली कुलगाल्डी खान जो है उस स्वर्ण उत्पादन के लिए, बात सही है। पिलबरा कोयला उत्पादन क्षेत्र है, बात सही है क्या। माउंट ईसा लेड जिंक उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर दूसरा गलत था, पिलबरा कोयला नहीं है, माउंट ईसा लेड तीसरा, पहला और तीसरा सही था। सही क्या क्या है इस व्याख्या देख लेते हैं ना सीधा, कालगुल्ली कुलगाड़ी स्वर्ण उत्पादन के लिए है, पिलबरा जो है लौह है, पिलबरा लौह है इसके लिए ना कि कोयला के लिए है। माउंट ईसा ब्रोकन हिल जिंक तथा लेड जस्ता और सीसा के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है,
याद रखना न्यूजीलैंड में है, ठीक है, दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिण में है, याद रखना भैया, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिण में है। सबसे ऊंची चोटी है कैप्टन कुक, दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कैप्टन कुक है, जिसे हम बोलते हैं आओ राकी। ज्योग्राफी में हमने बताया भी है, पढ़ाया भी है इसके बारे में, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। दक्षिण में स्थित है न्यूजीलैंड के दक्षिणी आल्प्स सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, इसे बोलते हैं आवराकी। ओके चलिए आगे है, सही उत्तर बताना है इसमें। न्यूजीलैंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ की सबसे बड़ी झील है टापो, बात सही है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टापो है। यहाँ के उपजाऊ मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के उपजाऊ मैदानों को बोलते हैं। यहाँ पश्चिमी प्रदेश में अधिक वर्षा का कारण पछुआ पवने होती हैं, तो भैया तीनों सही है, ठीक है, हाँ तीनों सही है इसके, तो वही है पूरा। डेयरी उद्योग का काफी विस्तार हुआ तराना प्रदेश पशुपालन के, ये भी याद रख लेना एक फैक्ट है, तराना प्रदेश पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, दक्षिणतम विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी वेलिंगटन, यूपीपीसीएस का प्रश्न भी था मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आया था, याद रखना, ठीक है। तो जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, ठीक है, माना नहीं जाता है, मानेंगे क्या। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री क्या है, ये तो सबको पता होगा, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, याद रखना। चलिए देख लेते हैं क्या है, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारत पर अंटार्कटिक में शोध के लिए स्थापित केंद्र है, इसका मुख्य काम अंटार्कटिक पर ओजोन छिद्र, जीव जंतुओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों का अध्ययन करना। दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, 2006 में लार्समन हिल्स पर भारत ने नया शोध स्थापित किया, नाम रखा भारती, 2006 में कहाँ, लार्समन हिल्स पर भारत ने नया शोध केंद्र स्थापित किया, नाम था भारती, ठीक है। तो कितना टाइम हुआ अभी, 27 मिनट हो गया, ठीक है, दो चार और प्रश्न देख लें, चलो एक और देख लेते हैं। आओ केंद्रीय अंटार्कटिक गोवा में हो इसे, हैं केंद्रीय अंटार्कटिक समुद्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अंटार्कटिक समुद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपके गोवा में है, ठीक है, याद रखना इसको, केंद्रीय अंटार्कटिक समुद्र अनुसंधान संस्थान गोवा के कहाँ है, वास्को डिगामा में भैया, वास्को डिगामा में। भारत की पहली बहुसंसर वेधशाला इंड आर्क है कॉन्ग्स फजोरडेन में, 2 जुलाई 2014 में स्थापित हुई, ठीक है, भारत की पहली बहुसंसर वेधशाला इंड आर्क है कॉन्ग्स फजोरडेन, जो कि 2014 में स्थापित हुई है, ठीक है। चलिए किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, भैया कौन सा द्वीप है जिसको गतिशील बोलते हैं, तो वो है अंटार्कटिका, हो सकता है उसको जमने हो पिघलने की उस पर जाना जाता हूँ। यह देखिए क्या है, महाद्वीप का आकार शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में भिन्न हो जाता है, वही गलना और पिघलना, गलना और जमना दोनों, ठीक है, इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, पवनों का मौसम के अनुसार जो उत्क्रमण होता है, पवनों का मौसम के अनुसार उत्क्रमण जो होता है उसे जलवायु की विशेष अभिलक्षण क्या है, वो है मानसूनी जलवायु। आपको मानसूनी जलवायु मतलब यही तो है कि मौसम का बदलना, गर्म ठंडा ऐसे होता है, ठीक है। अब देख लेते क्या है, मानसूनी जलवायु विषुव रेखा से दोनों की दिशा में 5 से 10 डिग्री के बीच में मिलती है, ठीक है, याद रखना, व्यापारिक पवन पेटी वाले क्षेत्रों में विषुव रेखा के दोनों तरफ 5 से 10 डिग्री के बीच में, ठीक है, व्यापारिक पवन पेटी में, पवन पेटी में मौसम के अनुसार खिसकाव होता है जिसके कारण मानसून जलवायु की उत्पत्ति होती है, इसके अंतर्गत 6 माह तक पवन सागर से स्थल की ओर और 6 माह तक स्थल से सागर की ओर चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक और अभी और देख लेते हैं क्या है, दक्षिण अमेरिका से भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की मानसून की अवधि बढ़ती कहाँ है, घटती है कि बढ़ेगी कहाँ से, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये बात सही है, मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखना, तो दूसरा इसका सही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने बात नहीं है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, याद रखना भाई, दूसरा सही है कि
कि वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती, क्योंकि उत्तर के मैदान में मानसून का प्रवाह उत्तर के मैदान में मानसून का प्रवाह पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है। अपने प्रवेश के क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर भारी मात्रा में वर्षा करती है और आगे बढ़ती हुई इनकी आर्द्रता में ह्रास होने लगता है, परिणामस्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई मानसूनी वर्षा में कमी होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है सही बताना, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। बात सही है, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। बात सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पूर्वी जेट प्रवाह ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई, क्या थी इसकी व्याख्या, एक मिनट वो क्वेश्चन चला गया भाई। ये पता नहीं क्या है, गड़बड़ कर देता कभी कभी, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया था 94 नंबर ना, ठीक है, यही था, ये आ गया, ये हो गया, एक मिनट, ये 93 है, 93 दो बार है, दो क्वेश्चन कहाँ से आ गया इकट्ठा। चलिए तो अभी लास्ट कर देंगे इसी को पढ़ के, ठीक है, तो इसको देख लेते क्या है, दोनों सही था। पूर्वी जेट प्रवाह जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में आता है, ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं, इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता और प्रवाह का प्रभाव एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। ठीक है, तो आज हम 35 क्वेश्चंस कर दिए, 35 क्वेश्चन हो गए, कल 30 थे, ठीक है, तो आज हम इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो को ध्यान से सुनिए, और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से प्रश्न सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी एक सिंगल वन ऐसा प्रश्न नहीं होगा, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए ना हो, जरूर पूछे गए होंगे, और नहीं भी पूछे गए होंगे तो उनकी व्याख्या में से जरूर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, तो याद रखना इस बात को। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।